आपको बता दें, आज से शुरू होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। बीपीएससी के रिजल्ट के बाद शुरू होगा काउंसलिंग का दौर। सभी जिला मुख्यालय में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया वेबसाइट। शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग की अपील, रोल नंबर देख ले और फिर काउंसलिंग के लिए मौके पर जरूर पहुंच जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना रोल नंबर जो है वो याद रखें, जो एग्जाम के दौरान आपको दिया गया था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता अमन हमें देंगे। अमन, आज अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, इसके लिए किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है अभ्यर्थियों के लिए, और आज जो काउंसलिंग होगी इस उनके लिए क्या कुछ जरूरी है? जी बिल्कुल पूजा, विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति को लेकर आज से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि बीपीएससी ने जब रिजल्ट को प्रकाशित किया था उसके बाद ये भी कहा था कि जल्दी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, सभी जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होगी और ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी अभ्यर्थियों को, जो लोग काउंसलिंग के लिए चुने गए हैं उनको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने रोल नंबर डालना है और उस रोल नंबर डालते ही उन्हें ये पता चलेगा कि उनका काउंसलिंग कहाँ है, किस जिला में है और किस तारीख को है। इससे ये होगा कि वहाँ भीड़ नहीं होगी, क्योंकि बीपीएससी का सीधे ये कहना है कि अगर बेमतलब के अभ्यर्थी पहुँच जाएंगे तो भीड़ काफ़ी होगी और उससे काउंसलिंग में दिक्कत होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज सुबह 9:30 बजे से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूँ कि सभी अभ्यर्थियों को पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं आप और रोल नंबर डालकर अपना तारीख देखें कि कब आपका काउंसलिंग होगा और किस तारीख में आपको आना है, कितने बजे आना है। ये सभी चीज़ उस वेबसाइट में निर्धारित दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत किसी भी अभ्यर्थी को ना हो। और जो सेंटर बनाए गए हैं काउंसलिंग के लिए, वहाँ भी अभ्यर्थियों का बेवजह भीड़ ना लगे, उसको देखते हुए इस तरीके की निर्णय लिए गए। लेकिन आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शिक्षक बहाली में, और जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। उसके बाद जब काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो लोग काउंसलिंग में सेलेक्ट होंगे उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, और नियुक्ति उस आधार पे दी जाएगी जो लोग आवेदन में जिस जिला को मेंशन किए उस जिला के आधार पे उनकी भी नियुक्ति की जाएगी शिक्षक बहाली में। बीपीएससी ने पूरी तरीके से जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बेहतर तरीके से रखा है, क्योंकि किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम भी जब हुआ था तो काफ़ी बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को लिया गया था, कोई सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई थी, कोई सॉल्वर गैंग की भूमिका ना हो उसका भी खासा ध्यान दिया गया था। और अब जब रिजल्ट प्रकाशित हो, अमन इस दौरान एक सवाल ये भी है कि जो स्टूडेंट है उन्हें कहा गया है कि वो समय पर पहुंचे, जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है और अच्छी खासी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पास किया एग्जाम, तो क्या सबकी काउंसलिंग एक साथ होगी? और अगर काउंसलिंग एक साथ होती है तो क्या टाइमिंग रह सकती है, क्या जरूरी कागजात हो सकते हैं, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इस बात की जानकारी उन्हें कैसे मिलेगी? जी बिल्कुल पूजा, जो वेबसाइट पे जब वो रोल नंबर डालेंगे तो उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कब आना है, कितने बजे आना है, किस तारीख में आना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके आना है। तो यही कारण है कि बीपीएससी ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था काउंसलिंग को लेके तो अपना वेबसाइट भी डाला था कि इस वेबसाइट पे आप जाएं, अपना रोल नंबर डालें और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग किस ज़िला में है, कितने बजे है और किन किन डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लेके आना है। क्योंकि काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग के लिए चुने गए, तो बीपीएससी भी नहीं चाहती किसी भी तरीके की कोई समस्या का
सामना करना पड़े अभ्यर्थियों को या फिर जिस काउंसलिंग सेंटर में जहाँ जहाँ बनाया गया है काउंसलिंग सेंटर जहाँ जाए वहाँ अभ्यर्थियों को दिक्कत हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है और वेबसाइट पर सीधे ये मेंशन किया गया है बकायदा। ठीक है, ठीक है, कहा जा सकता है कि वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं, अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो भी आपको वेबसाइट पर जाकर हर एक डिटेल मिल जाएगी कि आपको आखिर काउंसलिंग के लिए क्या करने की जरूरत है, क्या समय रहने वाला है। अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।